हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आपको सीसीएमसी का फॉर्म फिल करना है फॉर टीएस रहमान, तो बता दूं कि टीएस रहमान का सीसीएमसी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म अभी अवेलेबल है। इसका लास्ट डेट है 26 अप्रैल, तो अभी टाइम है डेढ़ महीने के आसपास। तो उसका फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, अब उसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे, उनका जो फॉर्म का फीस कितना है प्लस कोर्स का फीस कितना है, उनका एग्जामिनेशन का डेट क्या है, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इवन आपको कैसे फिल करेंगे वो भी दिखाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले आपको बताऊंगा कि अगर आपको सीसीएमसी एंट्रेंस में स्टडी मटेरियल चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए, सेकेंडरी टेस्ट क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको कोई लिंक मिल जाएगा, आप कैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो वह चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो लिंक दिया हुआ है सीसीएमसी कोर्स के फॉर्म के लिए, आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे इस पेज पर। तो अभी इस पेज से अभी दिखाऊंगा कि आप इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे, कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है सीसीएमसी। तो पहले बताऊँ कि इसका देखिए कोर्स ड्यूरेशन है 6 मंथ्स का, फीस है 2,40,000। ठीक है, 6 महीने का कोर्स है, 2,40,000 फीस है। बाकी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म प्रोस्पेक्टस ये सब आप देख सकते हैं, बट ये इतना ज़रूरत नहीं है, बट आपका इन्फॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए करियर पाथ, एलिजिबिलिटी, रूल्स रेगुलेशन, FAQ भी है। तो एलिजिबिलिटी तो वही है, क्लास 10 में आपको मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश में भी आपका मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो अभी अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा बुक नाउ ऑप्शन पे। देखिए यहाँ पे रेड कलर का देखिए बुक नाउ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी क्लिक कर दे और देखिए, तो देखिए अभी फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पे देखिए जो नंबर 1 पॉइंट देखिए है सर्टिफिकेट कोर्स इन मेरीटाइम कैटरिंग, मतलब सीसीएमसी 6 मंथ्स का कोर्स है, और उनका रजिस्ट्रेशन डेट ओपन हुआ है 10 फरवरी से और क्लोज है 26 अप्रैल, मतलब आपके पास अभी 1.5 से 2 महीना है। ठीक है, तो आप जैसे ही फिर नंबर 1 पे देखिए जो नीचे देखिए एरो मार्क है पिंक कलर का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर अप्लाई नाउ करने का, मतलब अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई पे, तो आप पहुँचेंगे नेक्स्ट जो पेज है इनका, जो ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको पूरा ठीक से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है लिखा हुआ है, यू हैव टू पे 700 रुपीज़, मतलब इसका जो फॉर्म का जो फीस है 700 रुपीज़ है। आपको आप ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं। अगर आप ये पे नहीं करेंगे तो आपको फिर एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते। ठीक है, नंबर 2 देखिए, आपको आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा इस फॉर्म में, और आपका जो आप ईमेल आईडी देंगे वो प्रॉपर होना चाहिए और पूरा स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और एक कंपलसरी है बिकॉज फॉर्म फिल करने के बाद का कन्वर्सेशन आपके ईमेल के थ्रू होगा। फिर नंबर 3 देखिए लिखा हुआ है, ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट इज कंपलसरी रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, तो आपके पास पासपोर्ट होना भी ज़रूरी है। और देखिए नंबर 4 ऑलरेडी आपको पता ही है इसका जो मार्क्स का क्या, कितना मार्क्स चाहिए। 10th में मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए और इंग्लिश में मिनिमम 40% मार्क्स। और एज का देखिए नंबर 5 में देखिए एज लिखा हुआ है। ठीक है, नॉट मोर देन 25 ईयर्स एंड नॉट लेस देन 17.5 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, मतलब जिस डेट पर आपका कोर्स शुरू होगा उस डेट पे आपका एज 17.5 से कम नहीं होना चाहिए एंड 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और देखिए एज रिलैक्सेशन भी है, अगर आप SC ST है तो फिर 5 साल के लिए रिलैक्सेशन है, और अगर आप OBC है तो आपको 3 साल के लिए रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आप डिप्लोमा डिग्री होल्डर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर उस टाइम पर आपका एज लिमिट देखिए 27 ईयर्स तक भी है। फिर देखिए आपका डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, हॉल टिकट, ये सब आपका ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। तो इसके लिए बोला कि जंक मेल या फिर स्पैम फोल्डर, आपके ईमेल पे जितना स्पैम फोल्डर है आपको हमेशा चेक करते रहना चाहिए। फिर नंबर 7 देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका 5 मई को। ठीक है, मई महीने का 5 तारीख को आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, और गर्ल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर 9 देखिए, कोर्स फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड और ट्रांसफर टू एनी अदर कोर्स, नो कम्युनिकेशन विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। और देखिए नंबर 10, कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन इज बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी एंड फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपका एडमिशन का कन्फर्मेशन तब मिलेगा जब आपका फाइनल सब कुछ हो जाएगा। तो ये सब के बाद आप फिर क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट बटन पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई एक्सेप्ट, तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार, यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेटिव, मतलब इन्फॉर्मेटिव चीज़ दिया हुआ है। तो आप क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट पे, तो अभी आप पहुँचेंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, जो इनका मेन फॉर्म है आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो फिलअप आप ठीक से कीजिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। देखिए अभी ये फॉर्म आ रहा है, तो देखिए अभी देखिए आपके सामने अभी ये फॉर्म आ गया। देखिए लिखा हुआ है प्रीसी एप्लीकेशन, पर पहले देखिए आपको आपका कैंडिडेट का फ़ोटो, मतलब आपको आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका अपलोड करना पड़ेगा।
ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में, फिर एप्लीकेशन डेट, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप जिस डेट पे फिल करेंगे वो आ जाएगा। एकेडमिक ईयर भी सिलेक्टेड है, कोर्स भी सिलेक्टेड है, बैच भी सिलेक्टेड है, बस सैल्यूटेशन मतलब आपको मेल फीमेल ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर देखिए फर्स्ट नेम एज़ पर पासपोर्ट, देखिए जो भी आपका स्टार मार्क है रेड स्टार मार्क आपको फिल करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। बाकी यहाँ पर रेड स्टार मार्क नहीं है आप वो फिल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, ईमेल आईडी, देखिए स्पेशली ईमेल आईडी को करेक्टली देना चाहिए बिकॉज इसके बाद का बाकी कन्वर्सेशन आपके ईमेल के थ्रू होगा। ठीक है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए नीचे देखिए लिखा हुआ है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, रिलीजन, कास्ट। ठीक है, फिर इस सबके बाद फिर आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको जो एजुकेशनल में मतलब किस में कितना मार्क्स है उसका पेज आएगा। उसके बाद फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा 700 रुपीज़, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके ईमेल पे इनका ऑनलाइन डेट एग्ज़ाम का आपका जो हॉल टिकट वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा, फिर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा, इस सब अगर आप क्लियर कर पाएंगे फिर आपका एडमिशन कन्फर्म होगा। ठीक है, और एडमिशन के टाइम पे आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, फ़ीस, ये सब कुछ क्लियर करने के बाद फिर आपका वहाँ पर एडमिशन कन्फर्म होगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है, टी एस रहमान तो बहुत ही वेल नोन कॉलेज है CCMC कोर्स के लिए, तो आप ये फॉर्म आप फिल कर लीजिए। सो गाइस, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके जो भी दोस्त अभी इस फॉर्म के लिए वेट कर रहा है उनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको थोड़ी हेल्प हो जाए। तो आज मैं इतने खत्म करता हूँ, टेक केयर एंड बाय।